अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से हैं? सर्दियों का मौसम है तो लोग जो है वो ज़्यादातर जो है ना वो मूंगफली को बहुत पसंद करते हैं। तो मूंगफली जो है वो हमारे खित्ते पोठोहार की एक पहचान है, हमारी सौगात है। तकरीबन ये पाकिस्तान में जो हमारा जो सूबा है पंजाब है, इसमें 84% जो मूंगफली है वो आप कह लें पूरे पाकिस्तान की जो 84% जो मूंगफली की प्रोडक्शन है वो पंजाब में है। और फिर पंजाब की बात करें तो उसमें जो है ना सिर्फ बावलपुर और बावल नगर का एरिया छोड़ के आपको जो ज़्यादा मूंगफली की पैदावार मिलेगी वो हमारे खित्ते पोठोहार में मिलेगी। तो नाज़रीन, मैं अभी इस वक्त उस सिटी सदर रोड पर, यहाँ एक बहुत पुरानी एक दुकान है, बचपन से हम देखते आ रहे हैं। तो आज मैं आपको ये दुकान भी दिखाऊंगा जो कि मूंगफली इधर ही भूनते हैं और फिर यहाँ से ये ऑलमोस्ट पूरे पिंडी में ये यहाँ से सप्लाई करते हैं यहाँ से। तो मेरे साथ जो साहब मौजूद हैं ये खुद ही अपना तारफ कराएंगे। अपना नाम बताइएगा और अपना थोड़ा सा तारफ करा दें। अस्सलाम वालेकुम, शकील अहमद नाम है मेरा जी। ये मेरे दादा के टाइम की बच्ची है। अच्छा। हाँ जी, तो हम ज़्यादातर गुजर खान पटवार की मूंगफली बेचते हैं। अच्छा। एक मियार रखा हुआ है अपना। अच्छा। जो शुरू से चल रहा है। सही। तो ये ज़्यादातर बंटवार की मूँगफली अच्छे जायके में होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से ज़्यादा हमारी रेपुटेशन है कि दाग दूर दूर तक कराची तक हमारी मूँगफली जाती है यहाँ से। तो मुझे एक बात बताएं, आपने बताया बहुत पुराने, यानी कि आपके दादा अबू भी यही काम करते थे? यही काम करते थे। ये मैंने कहा ना कि 1929 के टाइम की हमें रसीदें मिली हैं यहाँ से। अच्छा जी, सही सही। तो उससे पहले पता नहीं कितने टाइम की कर रहे थे। अच्छे से काम हो रहा है आपका ना जी। तो ये मुझे बताइए कि ये मूँगफली की कौन कौन सी इकसाम आप बेचते हैं? ज़्यादातर दो किस्म की होती है, एक मूँगफली होती है, एक बड़ा मूँगफला होता है। बस दो किस्म की हम ज़्यादातर रखते हैं। जो बड़ी वाली है वो किस एरिए की है? वो भी चकवाल गुजर खान की साइड में, लेकिन वो बहुत कम पैदावार होती है। चले, अभी आपके ग्राहक आए हैं, उनको अटेंड करें, फिर आपसे बात करते हैं। अच्छा शकील भाई, मुझे बात बताएं, ये काम आपने अपने आबाओ अजदाद से सीखा है? जी हाँ। तो कितने अरसे से आप कर रहे हैं ये काम? मैं तो बचपन में अपने वालिद साहब के साथ ही था। फिर मैं 90 में मैं यूके में चला गया था। कहाँ पे? यूके, लंदन। अच्छा, लंदन चला गया। लंदन चला गया। तो वहाँ किधर रहे आप? मैनचेस्टर भी रहा हूँ, लंदन भी रहा हूँ। अच्छा अच्छा जी, सही। तो फिर उसके बाद वापस आ गए? वापस आ गए। वहाँ दिल नहीं लगा? नहीं, दिल तो लगा, लेकिन कोई टाइम के लिए यहाँ। अच्छा, यहाँ अभी दिल करता है वापस जाने को? हाँ जी, इंशाल्लाह वापस जाऊँगा फरवरी में। अच्छा, जा रहे हैं वापस? यानी कि इसके बाद यानी मैं आपकी वीडियो नहीं बना सकूँगा है? जिंदगी हुई तो चले जी, फिर आपके गाहक आ गए। अच्छा राय साहब, मुझे बताएं कि कैसे ये तैयार करते हैं? कुछ आपके इधर जो तैयार हो रही है वो मुझे दिखाएं मेरे नाज़रीन को, कि कैसे वो आप इसको भूनते हैं। ये रेत है, रेत में फिर से चावलों की दम लगाते हैं। स्पेशल वो फार्मूला सिर्फ हमारे पास ही है। अच्छा। हाँ जी, लोग तो वैसे कढ़ाई में निकाल के देखें तो उसमें वो मिठास नहीं रहती। अच्छा। ये ज़्यादा ये देखिए के नीचे पड़ी हुई है, चीनी हम बेचते कुछ 500 रुपये किलो भी यही नाम नहीं देंगे। अच्छा। जब तक वो हमारे म्यार में तैयार ना हो जाए। आप पहले रेत में इसको भूनते हैं? हाँ जी, रेत में भूनते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं? फिर बोरियों निकाल के बोरियों के ऊपर दम लगाते हैं। अच्छा। चावलों में नहीं लगाते उस तरह का दम? अच्छा। हाँ जी, ताकि वो अपनी स्टीम में तैयार। कितनी देर के लिए? कम से कम 2 घंटे। 2 घंटे दम देते हैं, उसके बाद फिर आप, इसलिए आपका जायका मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ है जी। अच्छा अच्छा, तो ये मुझे बताएं, ये मूंगफली का जो ये जो रंग है, ये सुरख कैसे हो जाता है? ये मट्टी में भूनते हैं। मट्टी में? जी, रेत और मट्टी मिक्स करके ना। तो आजकल क्या रेट दे रहे हैं, किस रेट पे बेच रहे हैं आजकल? 280-280 रुपये। 280 रुपये किलो। बड़ी वाली 320 रुपये किलो। सही सही सही। ड्राई फ्रूट तो बहुत महंगा है, आप लोग जो है ना ड्राई फ्रूट की जगह जो है वो मूंगफली ही इस्तेमाल करें। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे तैयार करते हैं। Yeah.
नाज़रीन आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे फिर कभी किसी नई जगह किसी नए मकाम पर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।